बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में बुधवार की सुबह 7:30 बजे मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। ट्रेजेडी किंग के निधन की खबर से हर कोई हैरान है। बीते काफी वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे, वहीं बीते कुछ ही दिनों में उन्हें कई बार मुंबई के हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। वहीं अब उनके निधन की खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस खबर ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके फैंस को भी सदमे में ला दिया। वहीं सोशल मीडिया पर खबर सामने आने के बाद से ही हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। दिलीप कुमार से जुड़े न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो ताउम्र लोगों के जहन में भुलाए नहीं भूले जाएंगे। एक ऐसा ही किस्सा है जेआरडी डाटा संघ दिलीप कुमार की पहली मुलाकात का, आइए जानते हैं। दिलीप कुमार बीते दिनों अपनी बायोग्राफी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे थे। दिलीप कुमार की बायोग्राफी में जेआरडी टाटा के साथ उनकी मुलाकात का जिक्र था। इसमें लिखा, ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने करियर की बुलंदी पर था। तब मैं एक बार एयर इंडिया से सफर कर रहा था। वहीं मेरे बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे जो एकदम साधारण पैंट और शर्ट पहने हुए थे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन वह काफी पढ़े लिखे हैं। वहीं मेरे पास बैठे बाकी यात्री मुझे पहचान गए थे, लेकिन मेरे बगल में मौजूद ये शख्स मेरी मौजूदगी से बेखबर था। वो अखबार पढ़ रहे थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे। वहीं जब चाय आई तो उन्होंने एकदम शांति से चाय पिया। ऐसे में उनसे बातचीत शुरू करने के लिए मैं मुस्कुराया तो उन्होंने भी मुझे देखकर स्माइल किया और हेलो कहा। आगे दिलीप कुमार ने लिखा, बस इसी के बाद से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद बात फिल्मी मुद्दे पर आई। मैंने कहा, क्या आप फिल्म देखते हैं? इस पर शख्स ने जवाब देते हुए कहा, हाँ थोड़ी बहुत, मैंने कई साल पहले एक देखी थी। इसके बाद मैंने कहा कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा, जी मैं एक्टर हूँ। इस पर उस शख्स ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं जब फ्लाइट का सफर खत्म हुआ तो मैंने इसके बाद हाथ बढ़ाते हुए उस शख्स से कहा, आपके साथ सफर करके अच्छा लगा, वैसे मेरा नाम दिलीप कुमार है। इसके बाद उस शख्स ने मुझसे हाथ मुस्कुराते हुए मिलाया और कहा, धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जेआरडी टाटा हूँ। उस दिन के मुलाकात के बारे में जिक्र करते हुए दिलीप कुमार ने बताया कि इस बात को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपको आपसे बड़ा मौजूद रहेगा आपके बीच, इसलिए हमेशा सरल और विनम्र रहें।